पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारतीय जनरल विपिन रावत को मानवीयता के हत्यारे के रूप में याद किया जाएगा। कश्मीर में जनरल विपिन रावत के भारत के सैन्य शासनकाल में हत्याओं में वृद्धि हुई। जनरल रावत भारतीय अत्याचारों का प्रतिवाद करने वाले कश्मीरियों को हत्या की धमकियां दिया करता था। कश्मीरियों की हत्या के संबंध में जनरल के वक्तव्य उसके कश्मीरियों के प्रति पक्षपात को व्यक्त करते थे। जनरल भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत कश्मीर में मानवीयता के विरुद्ध अपराधों में सम्मिलित था। जनरल रावत, जिसकी मृत्यु एक हेली दुर्घटना में हुई, मोदी का राइट हैंड था। जनरल रावत मुसलमानों के विरुद्ध अपने अत्याचारों तथा पक्षपात के लिए कुख्यात था। विपिन रावत के पक्षपात पूर्ण वक्तव्य उसकी हिंदुत्व मानसिकता की अभिव्यक्ति थी। पाकिस्तान विरोधी विष उगलना विपिन रावत की प्रैक्टिस थी। मोदी ने रावत के लिए CDS की पोस्ट केवल इसलिए बनाई जिससे वह हिंदुत्व को आगे बढ़ा सके। भारतीय अल्पसंख्यकों को हिंदुत्व नेताओं के हाथों घृणा तथा हिंसा का सामना है। मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को हिंदुत्व नेताओं के हाथों घृणा तथा हिंसा का सामना है। मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घृणा के अपराधों में मोदी के भारत में खतरनाक सीमा तक वृद्धि हुई है। भारत मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के लिए एक खतरनाक स्थान बन गया है। अतिवादी दाएं बाजू के नेता खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के विरुद्ध जाति संहार की अपीलें कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के नाम पर मुसलमानों तथा ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है। मोदी की सरकार भारत में अल्पसंख्यक के विरुद्ध बहुत कठोरता से RSS विचारधारा थोप रही है। मोदी भारत से अल्पसंख्यकों का सफाया करने के मिशन पर है। BJP के शासन तक भारतीय अल्पसंख्यकों के अधिकार तथा जीवन खतरे में है। जातीय संघार संबद्ध सार्वभौमिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत मुसलमानों के लिए जाति संघार की तैयारी कर रहा है। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अंधाधुंध आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चैलेंज है। भारत को स्पष्ट रूप बलपूर्वक बताया जाना चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।